इंसान है, आदम के बेटे बेटियां हैं, गुनाह तो होना ही होना है। इंसान है, खता तो होना ही होना है। जुबान का गुनाह, आंख का गुनाह, हाथ का गुनाह, माली एतबार से गुनाह, जानी एतबार से गुनाह, नफसानी एतबार से गुनाह, दिमागी एतबार से गुनाह। इंसान है, गुनाह के बगैर तो जिंदगी हो ही नहीं सकती। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरे गुनाह अगर समंदर के छाप के उतने हो जाए या जमीन से लेकर आसमान तक तेरे गुनाह पहुंच जाए, लेकिन तू अल्लाह के आगे ठहरा है, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करता, अल्लाह के आगे अस्तगफार और तौबा करने खड़ा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे ज्यादा रहमत से तुझसे मिलेगा, उससे बड़ी मफरत से अल्लाह मिलेगा। हदीसे कुदसी है भाई दोस्तों, हदीसे कुदसी यानी अल्लाह बयान करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिवायत करते हैं अल्लाह से, हम तक पहुंचाते हैं कि मेरे बंदों से कह दीजिए जमीन से लेके आसमान तक गुनाह लेकर आए, मसला नहीं, मेरे साथ शिर्क ना करें और डरने वाले रहें, तौबा करने वाले रहें, गिड़गिड़ाने वाले रहें, तो फिर मैं उनसे वो गुनाहों से ज्यादा मगफिरत से मिलूंगा। ये है रब्बुल आलमीन, ये है खैरुर राहिमीन, ये है अरहमुर राहिमीन, ये है खैरुल गाफिरीन, ये है आपका हमारा रब। तौबा करने वालों को पसंद करता है।